कृष्णा भाई राजू जी थोड़ा आ गए मुंडी जाइए सर एक पिक्चर के लिए यहाँ पे बोला दिलीप जी यहाँ पे प्लीज कृष्णा जी यहाँ पे प्लीज वन मो उन्होंने कहा कि वो बैकसीट ले रहे हैं उनका तो नाम सब जगह है हम सबके एवरी सेल ऑफ द बॉडी में है तो वो एंड आएंगे नहीं ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है बहुत आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहेंगे बहुत अलग तरीके की फिल्म है और जितने भी लॉन्च होते हैं सब यही कहते हैं हमारी फिल्म बहुत अलग है ऐसा है वैसा है ऐसा है थोड़ा बहुत मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब इन्होंने जो काम किया है मैंने जो काम किया है उससे काफ़ी कुछ अलग है इट्स अ थ्रिलर और आई एम प्लेइंग अ राइटर साइको कैरेक्टर है तो इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ हम लोगों को ऐसे रोल कोई ऑफर करता नहीं है तो और अशोक जी को मैं आई एम नो हिम सिंस माई चाइल्डहुड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म तो ये आते थे ही टू कम एंड मीट गोविंदा जी एट होम तो ही टू सी मी मैं छोटा सा था तो मेरे बोलते तू क्या करेगा एक्टिंग डायरेक्टिंग करेगा कि नहीं मैंने कहा हाँ मेरे को शौक है मुझे भी एक्टिंग करना है तो तब से ही नोज में एंड देन वी हैड डन अ फिल्म देवयानी हत्याकांड हुआ था दिल्ली में तो उस पर हम लोग एक फिल्म कर रहे थे विद जैकी दादा एंड डैनी साहब और मैं वो फिल्म मैंने इनके साथ की थी मैंने वॉज 19 ईयर्स ओल्ड तो वो फिल्म शुरू हुई और शेल्व हो गई तो उसके बहुत टाइम बाद फिर चलो उनका स्ट्रगल रहा मैं करते करते फिर हम अपने अपने काम करने लगे उसके बाद एनी ऑफर्ड मी दिस फिल्म तो मैंने कहानी सुनी मेरे को बहुत अच्छा लगा मैंने बोला रोल बहुत अच्छा है एंड वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है सब कुछ आप फिल्म में देखेंगे बहुत अच्छे इज वेरी जॉबिल इज अ एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग एंड इट्स बीन ऑलवेज एन ऑनर एंड ग्रेट फीलिंग टू वर्क विथ हिम मीन्स हम दोनों काम करते हैं कभी लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं लग रहे हैं हम पार्टी कर रहे हैं और फिल्म बनती गई है कि नहीं लेकिन डायरेक्टर ने पार्टी नहीं की वो पार्टी करते तो फिर फिर पार्टी को प्रॉब्लम हो जाती है जो प्रोड्यूसर है हाँ सेट के सेट में भी यार लॉट ऑफ फन बहुत मज़ा आया सब पूरी टीम ही हमारी सब हम लोग मस्ती हम लोगों ने इतनी मस्ती की लेकिन मस्ती ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स इतने सीरियस थे तो अशोक जी हमेशा मेरे को टोक देते थे कि नहीं यार तुम बहुत जोक्स क्रैक मत करो बहुत मस्ती मत करो क्योंकि अभी हमारा शॉट लगने वाला ये सीन है बहुत ये इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया कंट्रोल किया उन्होंने थोड़ा बहुत ये आज तक मुझे समझ नहीं आया मैं आज तक डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है अशोक जी आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे हाँ माई लव मैं अभी परसों आया हूँ अमेरिका से आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा जेट लैग्ड हूँ और मैं एलए में था पिछले एक महीने से तो वो तो वहीं पर है हम लोग वी वॉक लाइक अ फैमिली इट वाज नेवर लाइक वी आर ही इज द हीरो आई एम द हीरो इतनी फैमिली फैमिली में काम किया हमने के प्रोड्यूसर ने पूरे पैसे भी दिए बोले मेरी भतीजी पैसा देना हां अब तो पार्ट ऑफ द फैमिली हो गए तुम लोग ही प्रोड्यूसर बन जाओ अभी तो बिग बॉस अभी खत्म हुआ है उसके बाद मैंने छुट्टी ली है बिग बॉस और बिग बॉस अभी
अभी कुछ करेंगे, कोई नया शो कर रहे हैं, हम लोग भी पिक्चर करेंगे और एक फिल्म कर रहे हैं, एक और फिल्म कर रहे हैं, द डाउट, वो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 2 महीने में शुरू करेंगे वो फिल्म का शूट। और शो जहाँ तक है शो भी आ जाएगा अभी, आई थिंक 2 महीने में आ जाएगा वो सब भी, धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा, पता चलेगा। हो सकता है मैं कपिल शर्मा शो वापस आ जाऊँ, यू नेवर नो, यू नो आई लव दैट शो, तो हो सकता है, यू नेवर नो, को कुछ भी हो सकता है। Yes, we are doing Shak the Doubt. If Krishna is there also, we two are doing together again another film of the same producer. And there are other projects also. There are web series also. तो वेब सीरीज में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि वेब सीरीज में कोई मतलब देर इज़ नो सेंसर, सो बहुत कुछ ईजिली बोला जाता है, वो थोड़ा सा मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा देख के करना है, बट आई एम डूइंग अनदर वेब सीरीज। आई थिंक अभी डेट इन्होंने फाइनल नहीं की है, आज टुडे इज़ प्रोमो लॉन्च एंड द पोस्टर लॉन्च, उसके बाद हमें पता चलेगा क्योंकि आजकल तो थिएटर्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, तो आई थिंक मई तक, मई जून, जून आई थिंक, जून 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 में भी ए पॉसिबिलिटी, सो आई थिंक द प्रोड्यूसर्स विल लेट यू नो द बेस्ट कब होगी। थैंक यू।